वेलकम टू निशांत आर्ट पेंटिंग ट्यूटोरियल दुबका। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ गर्ल। आज ये गर्ल बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में पेंसिल ले लेना है। पेंसिल से जरूरी नहीं कि आपके पास कोई स्पेशल पेंसिल हो, मैं जनरल पेंसिल से आज बना रहा हूँ। और इससे एक छोटा सा सर्कल बना लेना है। सर्कल को आप कैसे भी बना सकते हैं, बहुत जरूरी है कि बहुत ही अच्छा हो। आप थोड़ा ऊंचा नीचा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर्कल बना लेने के बाद हम लोग इसके फेस को बनाएंगे। ये थोड़ा सा फेस है, इसका मैंने फेस बना लिया। अब मैं यहाँ पर इसका नेक यानी कि गर्दन बना रहा हूँ। ये गर्दन बना लेने के बाद गर्दन को थोड़ा सा अच्छा से बनाइए आप, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितनी आवश्यकता है। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी एक सेम मेजरमेंट लेकर के गर्दन से शोल्डर तक बनाइए। और उसके बाद फिर नीचे हैंड बनाना है, उसका हैंड बना लीजिए। हैंड बनाने के बाद उसको पार्टीशन कर दीजिए बॉडी से, हैंड को थोड़ा अलग करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर एक कट दे दिया है, इससे मैं नीचे का ड्रेस बनाने वाला हूँ बाद में। मैं पहले दूसरी तरफ पे ये हाथ बना लेता हूँ। ये हाथ बनाने के बाद ये बॉडी का पार्ट हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ का हाथ को मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। और अब ये जो मैंने बताया था कि हैंड के ऊपर मैं एक ड्रेस बनाने वाला हूँ, ये ड्रेस है। और इस ड्रेस को आप इस तरीके से थोड़ा सा मतलब जैसे फ्रॉक का ट्रे होता है उस टाइप का बना सकते हैं। हम लोग इधर से थोड़ा झालर वाला टाइप का डिजाइन देने वाले हैं। ये बैक का फीता हो जाएगा, है ना। और फिर आप ये ड्रेस का ये झालर बना लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। गुड। अभी इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, ये नीचे का बनाने के लिए आपको सिंपली एक स्ट्रेट लाइन दे देना है, तरीके से आप स्ट्रेट लाइन दे देंगे तो भी आपका अच्छा लगेगा। और ये हमारा इसका हैंड हो गया, यानी कि जो एल्बो जिसको हम बोल सकते हैं, एल्बो के ऊपर ये, हाँ ये एल्बो हो गया ना, ये रिस्ट हो गया। अभी ये थंब मैंने बनाया। और मैंने यहाँ पर बनाया है कि ये हैंड में कुछ पकड़ी हुई है, के साथ आपको इसका फिंगर्स बना लेना है। फिंगर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे आप एक एक करके थोड़ा सा स्मॉल करते चले जाइएगा तो अच्छा बन जाएगा। और फिर हैंड में कैन लगा देना है, ठीक है, जैसे लगेगा कि कैन जो है वो हाथ में है। अच्छा, और इसका दोनों साइड अच्छा सा बना लेना है। ऊपर एक सेमी सर्कल जैसा हल्का हाफ राउंड बनाने का, ये नीचे वाला थोड़ा सा कि थोड़ा सा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतना बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फ्रॉक के दूसरे साइड वाले को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें डिटेलिंग डालना सकते हैं। ये सबसे पहले मैं इसका पीछे का जो रिबन होता है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिवर बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल दे देना है, उसके बाद जैसा बटरफ्लाई होता है ना उस तरीके का, दोनों तरफ एक बटरफ्लाई के विंग्स के जैसा बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। और फिर नीचे में इस तरीके का जो एक फॉलन है मतलब गिरा हुआ, ठीक है, उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। जब नॉट बनाते हैं तो दो रिबन टाइप का नीचे गिर जाता है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इतना बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, जो ड्रेस है ना उसका डिवीजन में दूंगा, जिससे कि वो बॉडी के ऊपर फील हो कि ये बॉडी के ऊपर इतना सा ड्रेस है, ठीक है। अभी ये मैंने बना दिया, इसका ये स्ट्रिप हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये जो इसका हेयर होगा ना, हेयर फॉल, इसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका मतलब, मैंने सोचा ये जो हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड का हैंड हो गया, मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा जूम कर दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि
अब यहाँ पर जो मैं अभी जो डिटेलिंग्स मैंने बताया था कि मैं बनाने वाला हूँ, उसको मैं और बेहतर तरीके से कैसे आपके सामने बना करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये जो एक पोनी पॉइंट बोल सकता हूँ, या फिर जो रिबन के जैसे हेयर को ही बांधा गया है, ये हेयर का ऊपर वाला हेड। और आपको पेंसिल से एक साइड मतलब एक अपर साइड का स्ट्रोक्स लेकर के चलना है और ऊपर की तरफ ही इसको फेंकते चलना है, और फिर ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लेकर के आना है। इसलिए फील होगा कि इसका जो हेयर है ये वन बाई वन आपका मतलब इसमें जो पार्टिशन है हेयर के, वो आपको साफ से समझ में आने लगे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने हेयर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हेयर बनाने के बाद आप जो मैंने बताया था रिबन है, इसको बनाना वो भी आसान है। इसको छोटे छोटे बीड्स के जैसा आपको बना देना है, ऐसे फीलिंग आएगा कि ये कुछ बंधा होगा बंधा होगा टाइप का बाल है। और ये नीचे वाले में भी स्ट्रेटली आप ब्लैक कर दें, जैसे कि मतलब एक हेयर होता है जो भी, वैसे ही कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये शेडिंग पेंसिल नहीं है, तो थोड़ा सा डार्कनेस कम है इसके अंदर। जनरल पेंसिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज हम लोग शेडिंग पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं जनरल पेंसिल से ये करके दिखाऊं, तो इस तरीके से आप एक साइड में शेडो देंगे और एक साइड पूरे तरीके से व्हाइट छोड़ देंगे, और फिर इसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, इससे इसमें थोड़ा सा ब्यूटीनेस आ जाता है, खूबसूरती आती है। अब ये दूसरा वाला जो है नॉट, इसको मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लगभग ये जो पूरा हेड है वो लगभग लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है ना। अच्छा, अब ये फेस में फेस तो कुछ करना नहीं था, तो बस हमें क्या करना है, सिंपली एक हल्का सा शेड कर देना और इसे डार्क कर देना, एंड दिस इज नेक। नेक में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जो फॉलन हेयर है उसके डिटेल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिर से वीडियो को जूम कर दिया है, आपको समझने में और आसानी होगी। अब जो हमारा स्ट्रोक्स हो रहा है नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और पेंसिल को एकदम धीरे धीरे हाथ से चलाना है, और इस बात का भी बीच में आपको ख्याल रखना है कि बीच में आपका जो लाइट है वो रहना चाहिए। ठीक है, लाइट आने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक तरफ का स्ट्रोक्स आप करेंगे और दूसरी तरफ जो है तो आपका जो ये होना चाहिए थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रोक देते जाइए, जैसे कि ऊपर से बाल गिरा है नीचे, के बाद जो है सो इस तरीके से धीरे 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 ये नीचे की ओर चले। अच्छा, अब ये देखिए कि लेफ्ट साइड का मैंने प्रॉप के जो लेफ्ट हैंड के ऊपर झाड़ जैसे बनाया था, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखिए इसको अच्छे तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा लगे वो कपड़े के अंदर फॉल्ट आ जाता है, उस तरीके का फॉल्टिंग बना दिया। और मैंने बस नीचे एक गोल गोल करके रख दिया, और अब देखिए ये आपको काफ़ी सुंदर देखने में लगे। अब यहाँ पे आपको हेयर का जो है लास्ट डिटेल यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर आपके हेयर जो है गिरा हुआ। ठीक है, और अब देखिए ये काफ़ी सुंदर लगने लग रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब तो हम लोग आगे के डिटेल्स की ओर चलेंगे। ठीक है, अब आगे के डिटेल्स जैसे मैं कि आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट हैंड पे कंप्लीट कर दिया है, अब मैं राइट हैंड की तरफ कर रहा हूँ। सेटिंग जो करना है वो बहुत ही धीरे धीरे करना है, और जिस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड का झालर बनाया तो उस तरीके से मैं राइट हैंड वाला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा जूम करके दिखला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ये हैंड और कैन की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। कैन के ऊपर मैं अभी एक स्ट्रॉ बनाने वाला हूँ, इसमें सिक्के को क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन दे देना है, जो स्ट्रेट लाइन होगा वही आपका स्ट्रॉ का काम। ठीक है, अभी आप देख लीजिए इसको सेट कीजिए, एक तरफ में स्ट्रेट करते चले जाना है एक तरफ से, और ऑटोमेटिकली दूसरे तरफ लाइट हो जाएगा इतना, तो आप लोगों को पता ही होगा जब आप ड्राइंग करते हैं। और एक बात हमेशा ख्याल रखना है कि हम
उस बात को ध्यान में रखने करके शेयरिंग करना होता है कि भाई नाइट की जरूरत से पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको देखिए, जिस तरीके से मैंने लेफ्ट हैंड में जो गोल को डिजाइन दिया तो वही डिजाइन में अभी राइट हैंड में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हैंड है, हैंड में थोड़ा सा आप शेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका डिटेलिंग कर लीजिए। डिटेलिंग दिस इज थोड़ा सा डार्क हो जाए, थोड़ा देखने में सुंदर लगे। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिप है इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, थोड़ा सा सुंदर लगने लगे स्ट्रिप डार्क, क्योंकि पेंसिल शेडिंग पेंसिल नहीं है तो थोड़ा सा इसका लाइट कम होता है, आप हो सकता है कि प्रेस करके इसको बनाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग आगे ये इसका जो बैक है यानी बैक रिबन, इसके ऊपर मैं डिटेल दे रहा हूँ। अच्छा, ये बैक रिबन को कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग नीचे का जो फ्रॉक है इसके ऊपर हम लोग डिजाइन करेंगे, मतलब डिजाइन नहीं सेट करेंगे। पहले तो मैं लेफ्ट साइड के एरिया को सेट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और फिर उस तरीके से धीरे धीरे बर्ज टाइप का सेलिंग करना है, और फिर दूसरे तरफ का लाइन को उसी तरीके से स्ट्रेट एक लाइन देकर उसको बाहर निकालना है। और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है तो बीच में आप इसको थोड़ा सा फ्रॉक का फोल्डेड डिवीजन कर सकते हैं, फोल्डेड डिवीजन को कर लीजिए पहले अच्छे तरीके से। अच्छा, फोल्डेड डिवीजन करने के बाद है ना, आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो है ये जो मैंने ऊपर का जो फ्रॉक बनाया था उसमें थोड़ा सा कुछ डिजाइन दे सकते हैं। डिजाइन देने के लिए बस सिंपली छोटे छोटे डॉट्स टाइप का आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।